अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त एक बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल, जो कि बुटीक स्टाइल डिज़ाइनर सूट की रेसिपी एक आइडिया देने लगी हूँ। रेसिपी कहने की इतनी आदत हो गई है। अच्छा जी, मैं अपनी लोकल मार्केट में गई थी, खुद ये डिज़ाइनिंग मैंने की है, पूरा आपको रिव्यू दूंगी। बहुत सस्ता ये मेरा ड्रेस बना था, जो मेरी बहनें ये बनाना चाहती, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें और बनाएं और एंजॉय करें। ठीक है जी, सब आप मेरी बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई और ख़ास आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है जी, यहाँ जी ऑर्गेन्जा का एक दुपट्टा मैं ले रही हूँ, सारा आपको दिखाऊँगी। फैब्रिक ले रही हूँ, फैब्रिक जो है वो मैंने प्योर से थोड़ा सा हल्का फैब्रिक लिया था, बिल्कुल टोटली प्योर नहीं लिया था। एक तो रेट भी बहुत ज़्यादा, साथ में चाह रही थी कि ये बजट फ्रेंडली भी बन जाए, ताकि ये है कि जो आगे भी ये वीडियो बनाऊं और मैं सब आपको बता सकूं कि कितने का मेरा सूट बनाया था। सब पूरी डिटेल दूंगी, पूरी वीडियो आपने देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ठीक है जी, यहाँ पे जी मैं फैब्रिक सारा जो है वो मेरा फाइनल हो गया था। ये मैंने फ्रॉक स्टाइल मैंने सारा बनवाना था, तो इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया था वो सूट से ना 1.5 गज ज़्यादा था। ठीक है, सूट का तो ये होता है ना, आप 6 मीटर लेते हैं या 5.5 लेते हैं, आजकल लंबी शर्ट्स हैं तो वूमन 5.5 अर्ज पे भी डिपेंड करता है। तो ये मैंने 1.5 मीटर ज़्यादा लिया था। दुपट्टा जो ऑर्गेन्जा का था वो मैंने हमेशा से 3 मीटर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लंबे दुपट्टे पसंद है। ये मैं जी अपनी लोकल मार्केट जीवन मार्केट गई थी, यहाँ पर जो है ना वैराइटी बहुत अच्छी और मुझे नज़दीक भी पड़ती है, तो इतना खास दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये डाई वाला इन्होंने शॉप वालों ने बुलवा लिया था, ये जो आपको ग्रीन शेड नज़र आ रहा है ये लाइट ग्रीन, इस टाइप का मुझे शेड चाहिए था। मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट करना चाहती थी, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है अभी आपको दिखाती हूँ, ये ब्लू का मैं कर रही हूँ सिल्क का, इस वजह से मैंने उसको डायर को ये बताया था ताकि जो दुपट्टा है वो डाई करे ना, उसमें उसको ना कोई प्रॉब्लम ना और कोई शेड का ना डिफरेंस ना आए। खैर जी, ये डाई वाले को मैंने दे दिया, मैंने सोचा जितनी देर ये डाई हो रहा है मैं थोड़ा ज्वेलरी वगैरह लोकल मार्केट से देख लूँ। झुमके मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे और इंतहाई कम कीमत थी। खैर, यहाँ से मैंने एक दो चीज़ें ले ली थी अपनी बेटी के लिए, अपने लिए, तो इतना तो मुझे ज्वेलरी का पहनने का शौक नहीं है, लेकिन मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, साथ मुझे ये था कि अभी डाई हो रहा है तो उतनी देर मैंने ये सारा जो है मैं दूसरी शॉपिंग वॉपिंग भी देख लूँ। ठीक है जी, अब चलते हैं जी, सारा सूट डाई हो गया है, घर चलती हूँ, आपको स्केच बना के दिखाती हूँ कि किस तरह का मैंने स्केच बनाया, खुद ही ये टोटली मैंने खुद डिज़ाइन किया है। ठीक है जी, ये देखें इस तरह की ये दो कलियाँ आएंगी इस पर, और इसके लिए लेसिस वगैरह भी मैंने ली हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाई, सब डिटेल अभी आपको बताने लगी हूँ। इसका जो ट्राउज़र है अभी तो यहाँ पे था, थोड़ा सा मेरे से टाइट स्केच हुआ है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस चीज़ ना थोड़ा सा ना इस तरह ट्राइंगल शेप में आए और खुला हो। ठीक है जी, ये बस जी इस तरह मैं अपने टेलर को ये दे दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ाइनल जो है ना वो सूट मेरा किस टाइप का रेडी हुआ है। ये देखें जी, सूट हो गया रेडी, ये टेलर से स्टिच होकर आ गया। मैंने सोचा इतना ज़्यादा प्रेस नहीं मैं कर सकी, मैंने सोचा जल्दी आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना प्यारा, बहुत कूल कलर था। लेस मैंने ये ली थी, लेस आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, बहुत सस्ती ये लेस मुझे मिली थी, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं मिली थी, अगर मैं एम्ब्रॉयड्री करवाती तो वो मुझे काफ़ी महंगी पड़ती। इसके अलावा ये लेस ली थी चौड़ी सी, ये सिल्वर कलर का मैंने साथ कॉम्बिनेशन किया था, बाजुओं पर थोड़ी सी डिफरेंट लेस थी जो गले से। ठीक है जी, आप इस टाइप की लेसेस जाएँ, पर बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हैं अभी, इतनी एम्ब्रॉयडरी वगैरह की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपको बहुत अच्छी लेसेस मिल जाती हैं। ठीक है, शायद वीडियो में इतना प्रोमिनेंट ना हो रहा हो, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और जब मैंने ये पहना था एक पार्टी में मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी। घेरा भी आपको बताऊँगी कि कितने इंच का घेरा है, लेंथ भी इसकी मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगी, और पांचे का भी बताऊँगी कि कितने इंच का है ये। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं जो इसकी लेंथ है वो 52 से 53 है। ठीक है, मेरी 5'5'6" हाइट है, मतलब 5'6" के दरमियान है। अच्छा, इसके नीचे मैंने स्लिप वगैरह भी लगवाई थी ताकि जो फैब्रिक ना वो चुभे ना। अभी आपको इसका फाइनल प्राइस भी बताऊंगी कि कितने का ये मेरा सूट बना। ठीक है जी, ये इसकी बैक है, बैक पर एक लेस की मैंने सारा लगाया है, बोर्ड शेप में गला है, कलियाँ आप देख लें, ये सिर्फ साइडों पर कलियाँ हैं और टोटली नीचे से ये लाइन है। आप चलते हैं जी घेरे की तरफ। अमूमन घेरा जो हम आम नॉर्मल कमीज़ सिलवाते हैं उसका ये होता है 24, 25, 26, 27। ठीक है, लेकिन इसका जो घेरा है ना वो तकरीबन 32 से 34 के दरमियान है, और जो पांचा है वो इसका जो है 18 से 20 इंच है। लेकिन ये देख लें आप, थोड़ा सा ये ना ट्रायंगल थोड़ा सा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी आपको मैं पहन के भी दिखाऊंगी। ठीक है, इसके नीचे ऐसे मैंने फोल्डिंग करवा ली थी, तो इसके जो ट्राउजर्स है ना इसकी बड़ी ज़्यादा लुक बनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग था और ये मैंने खुद अपनी चॉइस से और खुद अपनी डिज़ाइनिंग से बनवाया। ठीक है, ये देखें दो शेड का ये दुपट्टा है। अच्छा, दुपट्टा थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा, लेकिन ये वीडियो में ऐसे लग रहा है वैसे ना ये एग्जैक्ट शेड था। नीचे वही नेवी ब्लू जो आपको दिखाया था उसका कॉम्बिनेशन है, लेस का वो कॉम्बिनेशन है। ये जी इसकी फाइनल लुक आई, मैंने सोचा जल्दी से पहन के दिखा दूँ। जब पार्टी पे गई थी उस टाइम तो ये मैंने वीडियो नहीं बना सकी थी, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने दोबारा पहना है। ठीक है, वैसे इसके साथ आप चप्पल वगैरह भी कोई पहन सकते हैं, मैंने हील्स ही पहनी थी और इसी स्टाइल से मैंने कैरी किया था, लेकिन जो स्टाइलिंग थी वो मैंने साथ की हुई थी। अभी तो मैं कोई स्टाइलिंग वाइलिंग नहीं कर सकी। ये जी इसकी फाइनल लुक है, आप देखें इसका ट्राउज़र कितना
इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत मॉडर्न लग रहा है। फुल लॉन्ग किस्म का ये है, मैक्सी टाइप है, मैक्सी तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये बना था और मेरा जो आइडिया था वो सक्सेसफुल रहा था। आप लोग भी ये बनवाएं तो यकीनन आपकी भी बहुत तारीफ होगी। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोई नई डिज़ाइन लेकर